हेलो गाइस, तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहा माइनक्राफ्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि एक आयरन का आर्मर बनाएंगे और हम लोग आयरन की माइनिंग में जाएंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं इनकी तरफ। सबसे पहले मैं कुछ बना लेता हूँ पिकेक्स। तो मैं पिकेक्स बना लेता हूँ। सबसे पहले मेरे को बनाना पड़ेगा कुछ भाई स्टोन की तो कमी है भाई। चलो कुछ बना लेते हैं, माइनिंग में स्टोन मिल जाएगा, फिर उधर भी बना लेंगे। चलते हैं अब माइनिंग में। तो गाइस जल्दी से मैं माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ और मैं मिलता हूँ वाई इक्वल टू 16 में। तो गाइस इतने घंटों की मेहनत के बाद मेरे को फाइनली आयरन मिल चुका है भाई। क्या खुशी हो रहा है भाई। फाइनली गाइस मेरे को आयरन मिल चुका है जितना चाहिए होगा। तो मैं सो गया था क्योंकि रात हो रहा था और मॉब्स आ रहा था भाई। तो जल्दी से मैं कुछ फर्नेस को बना लेता हूँ, 1-2 बना लेते हैं। तो जल्दी से मैं इसको स्मेल्ट करता हूँ। तो देखो गाइस ये मेरा न्यू किचन है भाई। तो इसमें हम लोग जल्दी से वो कर लेते हैं। अबे यार इसको क्यों रख दिया, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं और जल्दी से इधर हम लोग आयरन को रख देते हैं। तो गाइस इतने सारे फर्नेस का होने का इतना फ़ायदा है भाई। देखो ये देखो कितना जल्दी स्मेल्ट हो रहा है। तो मैं आयरन जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली मेरे पास जितना आयरन चाहिए होगा एक आयरनमर को बनाने का उतना आयरन मेरे पास आ चुका है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक हेलमेट को बना लिया एक आयरन हेलमेट को। एंड फिर मैं एक बना लेता हूँ, अरे इसमें भी हाथ जा रहा है भाई इसमें। हाँ ये चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ, लेगिंग्स हो गया भाई और बूट्स भी हो गया। तो गाइस इसी के साथ हमारा आयरन का आर्मर आज का जो चैलेंज था वो कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं ओनली 15 लाइक्स का और मैं मिलूँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।